हाँ बंटी, क्या हाल चाल है? और कैसे याद किया? अच्छा, V15 Pro। चल मैं ठीक है फटाफट से देखता हूँ यूट्यूब पे। हाँ ओके ओके, बाय बाय। वीवो V15 Pro फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। अरे वाह, क्या नाम है! एलिवेटेड कैमरा। सॉरी पापा, लेट मी चेक सम मोर वीडियोस मैन। यार ये तो नमस्ते आंटी, बंटी है। हाँ आंटी, ठीक हो ठीक हो, एक मिनट बंटी से बात करा दो प्लीज। थैंक यू। और बंटी यार, ये मैंने फोन देखा, इसका तो रिव्यू बड़ा बकवास आ रहा है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बेजल, यूएसबी टाइप सी नहीं है, डेटा ट्रांसफर भी बहुत स्लो है। नहीं भाई, मतलब अच्छा, किस पे? फॉर द लव ऑफ गैजेट्स पे है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, वीवो ने V15 Pro को लॉन्च कर दिया है दिल्ली में 20 तारीख को। यह फोन 28,990 की कीमत पे लॉन्च किया गया है। तो क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? आप लेना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ कमियां दिख रही हैं जिसके तहत आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। और तो और, क्या इसका प्राइस ठीक है? और वीवो क्या चाहती है? किस टारगेट ऑडियंस को वो केटर कर रही है? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें। कुछ प्रश्न हो या फीडबैक हो, प्लीज़ डू ऑल्सो मैंशन दैट इन दी कॉमेंट। एक गुजारिश छोटी सी दोस्तों, कुछ नेबरहुड में फंक्शंस है आज, तो शायद नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा रहे, उसके लिए मैं शुरू में ही आपसे क्षमा मांगनी चाहूँगा। इसी नोट पे मैं हूँ हरजोत, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हम पिक करेंगे वो है वीवो की डिज़ाइन फिलॉसफी। क्या दिमाग में रखते हुए वीवो ने V15 Pro को डिज़ाइन किया? अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करें, वीवो इस वक्त एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा है। चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो चार्जिंग स्पीड हो, चाहे वो रियर कैमराज हो, चाहे रैम मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे लुक्स हो, इन सब बॉक्सेस पे वीवो टिक मारता है। अगर हम बात करें और फोन्स की, आप देखेंगे आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, लुक्स नहीं मिलेंगी। अगर लुक्स मिली है, फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है। कई फोन्स तो मेटल बॉडी के साथ आ रहे हैं लेकिन ओवरऑल कैमरास इतने अच्छे नहीं हैं। कई फोन्स में आपको बेजल इतनी ज़्यादा दे दी गई है कि आपके आइकॉन्स ही नहीं पता चलते। लेकिन अगर हम V15 Pro की बात करें, आपको दिया गया है सुपर एमोलेड स्क्रीन, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो कि नेक से भी बेहतरीन है, आपको फास्ट चार्जिंग के साथ 3700 mAh की बैटरी दी जाती है, रैम मैनेज भी बहुत अच्छी है, आपको प्रोसेसर 675 दिया गया है जो कि बहुत एक रिस्पेक्टेबल प्रोसेसर है और इसका स्कोर लगभग 1,80,000 के आसपास आता है N22 का। आपको फ्रंट में 32 MP का कैमरा दिया गया जो कि फर्स्ट इन इंडस्ट्री है और कोई फ़ोन अभी से नहीं कैरी करता। रियर के कैमराज भी बहुत बेहतरीन हैं, कुछ रिव्यूज़ में ये भी पता चला है कि ये लगभग 60 या उससे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और तो और, वीवो ने इस बार सबसे बढ़िया काम जो ये किया है, आपको EIS आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, 4K दे रही है, आपको कैमरा टू API भी एनेबल कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कवर वीवो ने दिया है वो बेहतरीन दिया है, प्लस हेडफोन तो होते ही हैं। जो कि ये कवर है, आपको शायद 50,000 तक के फ़ोन में भी इतना बेहतरीन ना मिले। ये सबसे पहली बात, तो पीला नहीं पड़ने वाला और ये एक्रेलिक है, हार्ड प्लास्टिक का, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। तो आई थिंक वीवो इस वक्त इन बॉक्सेस पर टिक मारती है जो कि आपके डेली इंट्रैक्शन के हैं, और आई थिंक तभी वीवो इस वक्त सक्सेसफुल हो रही है। कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि V11 Pro ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। अगर आप उसकी रेटिंग्स और उसकी सेल्स नंबर देखें, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका प्राइस नहीं गिरा या बहुत नॉमिनल कम हुआ है, जो कि एक साइन है कि वीवो नोज के उसको किस टारगेट ऑडियंस को क्लिक करना है। तो दोस्तों, किन्हें ये फ़ोन लेना चाहिए? क्या ये फ़ोन आपके लिए बना है? टारगेट ऑडियंस क्या है? आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये फ़ोन वही लेना पसंद करेंगे जो एक एमोलेड डिस्प्ले, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो परफेक्ट और बेस्ट इन क्लास चाहते हैं। ऐसे कुछ फ़ोन्स हैं जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ और भी आ रहे हैं, जैसे ओप्पो K1, सैमसंग A8 स्टार, सैमसंग A7, वीवो V11 Pro, OnePlus 6T एक एक्सपेंसिव फ़ोन है क्योंकि 37,000-38,000 के पास आता है, बट आई टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो अगर मैं शुरू के चार फोन्स की बात करूं, मैं ओप्पो K1 को अभी साइड रखूंगा क्योंकि अच्छा फ़ोन है लेकिन मेमोरी और स्पेस उतनी नहीं कि इन फोन से कंपेयर किया जा सके। जी हाँ, लेकिन अगर मैं A7, 8 स्टार या V11 Pro से बात करूं, तो ये आता है 675 के साथ, जो कि इन तीनों से अच्छा है।
GPU 612 अगेन तीनों से अच्छा है, Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स तीनों से अच्छी है, RAM जो कि इसमें दी गई है आपको 6GB की लगभग सिमिलर है, लेकिन स्टोरेज 128 है जो कि आपको सिर्फ A7 मुहैया कराता है, आपको P11 Pro और आपको 8 स्टार में 64GB की ही मिलेगी, आपको इसमें कैमरा टू API इनेबल दिया गया है, EIS है 1080p पे, 4K है इस बार आउट ऑफ द बॉक्स जो कि V11 Pro में बाद में अपडेट के साथ आई थी, 60fps 30fps बोथ, आपको साथ में जो कैमरा दिया है फ्रंट का वो एलिवेटेड है। और तो और दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा दिया है जो कि अगेन आपको A7 में मिलेगा, लेकिन इसका कैमरा उससे बहुत बढ़िया है, आपको इसमें 48 मिलियन क्वाड पिक्सल सेंसर दिया गया है जो कि इफेक्टिवली 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन इट्स फार बेटर देन A7, और इसमें आपको वाइड एंगल कैमरा भी दिया है, डेप्थ सेंसर तो है ही है, इसकी फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। अगर मैं 60 से कंपेयर करूँ तो अगेन दोस्तों नोट करने वाली बात यह है, कई सीनियर यूट्यूबर्स ने अभी ये वीडियोस बना के डाली कि इसका कैमरा फोटोग्राफी में 60 से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, 60 में आपको वाइड एंगल शॉट नहीं मिलेंगे, इसमें आपको वो मिल रहा है। ऑल्सो 60 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है थोड़ा सा लैग करता है, एज एन इससे स्लो है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये उसकी टेरिटरी को भी टच बेस कर रहा है। इसके अलावा आपको ट्रिपल स्लॉट मिल रहा है जो कि आपको वन प्लस 60 में भी नहीं मिलेगा, और ये डुअल वोल्टी एनेबल्ड है। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ, ASUS Zenfone 5Z और पोको को इन्वॉल्व करके, आपको ASUS Zenfone 5Z में फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं दिया गया है, उसका फेस अनलॉक भी ठीक ठाक सा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत फास्ट नहीं है। अगर मैं पोको की बात करूँ तो पोको में आपको डिस्प्ले LCD है जो कि बहुत अच्छा है, ब्राइट है, गुड डिस्प्ले है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑसम दिया गया, टच करते ही खुलता है, टच करते ही, क्योंकि आई थिंक इट्स बेस्ट, बट अगेन आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस वो नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल लुक वो नहीं मिलेगी, एक वो फील नहीं मिलेगी। सो आप देख सकते हैं कि फ़ोन किन किन यूज़र्स को कैटर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आपको सब कुछ ओवरऑल चाहिए सो जस्ट गेट द V15 Pro। अब आपको क्यों नहीं ये लेना चाहिए, अगर आप प्लास्टिक बैग नहीं पसंद करते आप ये फ़ोन मत लें, अगर आप मेटल बेजल चाहते हैं तो ये फ़ोन आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 एंड अबव चाहते हैं आप ये फ़ोन रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं क्या कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन यूज़ किया गया है, बट आई थिंक इट वुड बी 3 क्योंकि V11 Pro में भी 3 था, तो आप इस फ़ोन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टाइप सी USB चाहिए तो आप ये फ़ोन रिजेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट पे और टच बेस करूँगा दोस्तों, जहाँ तक बैग की बात है आई थिंक ग्लास बैग से प्लास्टिक बैग ज़्यादा बढ़िया है, आई थिंक यही थॉट पोको में भी इन्वॉल्व रहा, क्योंकि अगर बैग से फ़ोन गिरता है और बैग टूटती है तो वह रिपेयर करानी ही पड़ेगी और इसका खर्चा अच्छा खासा आएगा। आज की डेट में जब आप फ़ोन लेते हैं दो चीज़ सबसे पहले हर कोई करता है, वो है टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर, क्यों, ताकि ग्लास ना टूटे और बैक पे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। तो स्टिल मैं ये कहूँगा कि प्लास्टिक बॉडी ज़्यादा अच्छा है या प्लास्टिक बैग ज़्यादा अच्छा है, डेफिनेटली बेजल मेटल के हो सकते थे, आई थिंक अगर वीवो इस वीडियो को देखता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बेजल जो है मेटल के रखिए। अगर आप HD कंटेंट देखते हैं तो नेटफ्लिक्स पे, तो आप ये फ़ोन नहीं लीजिए क्योंकि इसमें वाइड वाइन L3 है, L1 नहीं है। अगर आप वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, इसमें EIS है बट थोड़ा सा इशू है, आई थिंक एक आधा अपडेट वीवो देगा उसको फिक्स करने के लिए, बट बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट, बट अदर देन दैट आई थिंक ओवरऑल जैसे हमने डिस्कस किया, आई होप कि अब आप लोग एक कॉल ले पा रहे होंगे कि क्या ये फ़ोन लिया जाए या ना लिया जाए। जहाँ तक टाइप सी की बात है, मैं ये कहूँगा वीवो को टाइप सी देना चाहिए क्योंकि हम ये इकोसिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की, इसे 28,990 पे मुहैया कराया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जहाँ तक मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है आज की डेट में कोई कंपनी रिजनेबल रेट पे आपको शायद नहीं दे रही होगी, या अगर दे रही है तो कॉर्नर्स कट कर रही है। बात करते हैं ASUS Zenfone 5Z की, 30,000 पे लॉन्च हुआ था, ICI डिस्काउंट के साथ लोगों ने 26,999 का लिया, वही फ़ोन आज आपको 22,500 में भी मिल जाता है या उससे कम में भी किसी किसी ऑफर में मिला है। तो क्या उस टाइम पे हमने बोला था ये फ़ोन महंगा है, हमें लगा था नहीं बहुत रीजनेबल रेट के, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे 60 से। फिर आया पोको ने भी डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है फ्लिपकार्ट पे आपको 5,000 तक का डिस्काउंट दिया गया था, आप Redmi Note 5 Pro को दे सकते हैं अभी 11,000-12,000 पे दिया गया है सिमिलरली। सो जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, आई थिंक हर कंपनी आज की डेट में हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, अगर 25,999 पे निकालते तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, क्यों, फिर वो अगर V15 निकालेंगे
तो वो V11 Pro से बहुत ज़्यादातर कम्पीट कर जाएगा। अभी मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 28,990 रख के 25,990 पे V15 लॉन्च करेंगे, जो कि डिस्कशन में है, होपफुली 25 को लॉन्च हो जाए या जल्दी लॉन्च होने वाला, ताकि आपस में जो इनकी सेल्स ख़राब ना हो। बट अगर आपको लगता है प्राइस ज़्यादा है, हर एक का अपना थॉट है, आई थिंक प्राइस भी ठीक ठाक सा ही है। तो दोस्तों, समय आ गया है इसको कंक्लूड करने का। अगर मैं फ़ोन की बात करूं, एज अ पैकेज बहुत स्ट्रांग है, आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सबसे बढ़िया, आपको एलिवेटेड कैमरा के साथ फ्रंट कैमरा सबसे बढ़िया, रियर में जो पिक्चर्स आ रही हैं वन प्लस 6T के मुकाबले की, बैटरी लगभग 4000 को टच करते हुए, हालांकि 300 mAh कम है, बट फास्ट चार्जिंग के साथ, फिंगरप्रिंट स्कैनर अगेन वन प्लस 6T से बढ़िया, आई थिंक एट दिस प्राइस इट्स अ वेरी गुड पैकेज। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि प्लास्टिक का फ़ोन है, दोस्तों ट्रस्ट मी, ओप्पो F7, रियलमी 1, ये सब इसी बेस पे आधारित हैं। ट्रस्ट मी, आज तक किसी का फ़ोन टूटा नहीं होगा जेब में, किसी का फ़ोन मुड़ा नहीं हुआ होगा, बैंड नहीं हुआ होगा। तो ये फैक्टर ज़रूर है जो कंपनी को देखने चाहिए, मेटल फ्रेम देंगे या बेजल देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, USB टाइप सी EIS अच्छा होना चाहिए, ये एक मस्ट है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम चेंज हो रहा है और वीडियोग्राफी में बहुत दिक्कत आ जाती है, पर अगर कंपनी OIS भी दे दे तो क्या बात है। हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई अदर ओपिनियन हो, प्लीज़ डू लेट मी नो, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आशा करता हूँ कि मैंने आपके सवालों के उत्तर देने की कोशिश की हो। वंस अगेन दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त हरजोत, आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट। नमस्कार, जय हिंद।